नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यहाँ एक निजी स्कूल में कुछ दबंग घुस आए, फिर एक स्टूडेंट को जमकर पीटा और टीचर्स को तमंचे से धमकाया। इसके बाद स्कूल को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। पूरा मामला स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। टीचर्स का कहना है, इस घटना के बाद से बच्चे बहुत डरे हुए हैं। स्कूल का स्टाफ भी खौफ में है। जब तक उन दबंगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक न बच्चे स्कूल बंद रहेगा। मामला मंदावर थाना इलाके के आरटीएस कॉलेज का है। यहाँ सोमवार को करीब आधा दर्जन दबंग बाइक से पहुँचे और एक छात्र को मारने लगे। टीचर्स ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें भी मारा और तमंचा दिखाकर धमकाया। इसके बाद भाग निकले। टीचर आरती का कहना है, स्कूल में कुछ दबंगों ने आकर मारपीट की, इस वजह से बच्चे डरे हुए हैं और स्कूल का स्टाफ भी खौफ में है। जब तक उन दबंगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक न बच्चे स्कूल बंद रहेगा। प्रिंसिपल वंदना का कहना है, पुलिस तुरंत एक्शन ले, इसलिए उसे स्कूल बंद रखा है। बाहरी दबंग स्कूल में घुसे और मारपीट की। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह का कहना है, पहले 11वीं के बच्चे ने 9वीं के स्टूडेंट को पीट दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया में 9वीं के स्टूडेंट के कुछ दोस्त कॉलेज पहुंचे और मारपीट की। प्रिंसिपल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में कार्यवाही की जा रही है।